नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं स्नेल, जिसको यहाँ आम भाषा में हम लोग घोंघा बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक बगीचे में है और यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे काफ़ी सारे घोंघा यानी कि स्नेल छुपे हुए हैं पेड़ में या फिर बाउंड्री की जो ग्रिल है वहाँ पे। तो आपको हम दिखाते हैं और काफ़ी बड़े हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, ये स्नेल है और आपको बता दें ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। और ये जो है शाकाहारी होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो है चिपका हुआ था। और इसी तरह के स्नेल ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आकार है इसका। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं और ये जो है नमी युक्त जगह पे रहते हैं, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे घास होती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि पेड़ वगैरह में चिपके रहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्नेल हैं और पेड़ में चिपके हुए हैं, ग्रिल में चिपके हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सिस्टोसोमा बीमारी की वजह से काफ़ी लोग बीमार होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टोसोमा परजीवी होता है और ये जो है लोगों में फैल जाता है। और जब काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। और इसका बड़ा कारण है ये घोंघा के द्वारा फैलता है। और यहाँ पे क्यों फैलता है, इसकी वजह ये है कि भारत में खुले पानी का, ताजे पानी का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे नमी रहती है और वहाँ पे घोंघा हो जाते हैं और घोंघा से सिस्टोसोमा परजीवी फैलते हैं और लोगों के अंदर जाते हैं, लोगों के शरीर में पहुँच जाते हैं। और इस वजह से लोग जो है बीमार होते हैं और काफ़ी लोग तो इसकी वजह से मर भी जाते हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रिल में एक रस्सी बंधी हुई है, इसके ऊपर चिपके हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए ग्रिल में कितने ज़्यादा जो है स्नेल यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए नीचे यहाँ भी चिपके हुए हैं और पेड़ में आपको दिखाते हैं, पेड़ में भी जो है चिपके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेड़ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चिपका हुआ है स्नेल। और इसी तरीके से ये पेड़ जो है यहाँ लगा हुआ है, इस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा स्नेल यहाँ चिपके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चिपका हुआ है, ये पेड़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चिपका हुआ है ग्रिल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ग्रिल के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा पोटी पड़ी हुई है। ये जो है जहाँ नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पर रहते हैं। और बात यहाँ पे ये है कि ये काफ़ी बड़े आकार में है, आमतौर पर देखने को मिलते हैं स्नेल, लेकिन वो काफ़ी छोटे आकार में होते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े आकार में स्नेल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये सारे स्नेल जिंदा हैं, यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा चिपके हुए हैं। एक स्नेल आपको हम पकड़ के दिखाते हैं, ये देखिए ये इसमें चिपका हुआ था ये। और इनकी बॉडी जो बनी होती है वो मजबूत खोल से बनी होती है और ये शाकाहारी होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है काफ़ी ज़्यादा स्नेल यहाँ पे, ये नमी युक्त है, जैसा कि पार्क में है अभी हम। और यहाँ पे इस तरह के स्नेल आपने देखे, और आम तौर पे जो है छोटे स्नेल देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े आकार में स्नेल हैं। और दोस्तों स्नेल को पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का स्नेल अभी तक हो सकता देखने को ना मिला हो। तो ये जो है स्नेल काफ़ी बड़े आकार में है, आमतौर पर जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी छोटे आकार में स्नेल होते हैं, जिनको आमतौर पर हम लोग घोंघा बोलते हैं। और ये सारे स्नेल जिंदा हैं और इसी तरह के स्नेल जो होते हैं वो समुंदर में पाए जाते हैं, जिनसे जो है शंख बनता है, लेकिन ये जो है शंख वाला नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको हमने उठाया था तब ये जो है यहाँ पे चिपका हुआ था और अब इसने जो है अपना मुंह बाहर निकाला है, आपको हम दिखाते हैं।
और जैसे ही इसको हम छुएंगे तो ये अपना मुंह अंदर कर लेता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको उठाते हैं तो ये जो है अपना मुंह अंदर कर लेता है। जिस तरह से कछुआ होता है उसी तरह का कुछ ये भी होता है, और इसके ऊपर की बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, और ये शाकाहारी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बाहर पोटी निकली हुई आपको दिख रही होगी, और यहीं से जो है ऊपर साइड से ये अपना मुंह बाहर निकालता है। और इस ये जो चलता है तो ये चिपक के चलता है, इसके इसकी बॉडी जो है इसमें पैर नहीं होते हैं, रेंगने वाला भी कुछ नहीं होता है, ये जो है अपनी मांसपेशियों से चिपक चिपक के इधर उधर चलता है। और कहीं भी अगर ये चिपका हुआ रहता है तो ये अपनी मांसपेशी से जकड़े हुए रहता है और चिपका हुआ रहता है।